प्रदेश युवा कांग्रेस नेता सुनील लारा और एनएसयूआई नेता रियाज खान के नेतृत्व में गुरुवार को राजकीय महाविद्यालय चौराहे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला और पाकिस्तान के झंडे को जलाकर विरोध प्रकट किया गया। लारा ने बताया कि जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा बार बार भारतीय सैनिकों पर हमला करके उनके सर काट कर ले जा रहे हैं और उनके शरीर को क्षत विक्षिप्त कर रहे हैं, उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के द्वारा यह कृत्य बार बार दोहराया जा रहा है। इसी कारण विरोधी देश के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और देश के सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। रियाज खान ने बताया कि पाकिस्तान को अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया तो पाकिस्तान बार बार ऐसे हमले करता रहेगा। सियासत के द्वारा इस मुद्दे पर राजनीति ना होकर पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब देना होगा। इसके लिए देश का हर युवा भारत व भारत के सैनिकों के साथ खड़ा है। राजकीय महाविद्यालय चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई पदाधिकारियों ने पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज की शव यात्रा निकालकर पुतला फूंका और पाकिस्तान का झंडा जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तरह से पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान पर हमले कर रहा है और सैनिकों के सर काट के ले जा रहा है और प्रवरता पूर्वक पूरे शरीर को छत विछत करके जा रहा है, उसके बाद भी भारत सरकार के प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे हैं और सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो मामला हो रहा है इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री चुनाव से पहले जिन तरह से कहा करते थे कि 56 इंच का सीना है और सुषमा स्वराज जी ने जो पिछली सरकार में कहती थी कि हम 10 सर काट के लेंगे, आज वो चुप क्यों हैं? आज क्यों नहीं उन्हें जवाब दिया जा रहा है? आज हमारे सैनिकों का मनोबल गिरता जा रहा है लेकिन हमारी सरकार चुप बैठी है। आज इसी के विरोध में हम युवा कांग्रेस ने और एनएसयूआई ने यहाँ पर जिसे चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला जलाकर झंडा जलाकर पूरा विरोध किया है और हमें सरकार से ये कहना है कि अगर आपको हमें सीमा की जरूरत पड़े तो हर देश का एक एक परिवार का एक सदस्य एक युवा जाने के लिए तैयार है और सैनिकों के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, वो इस पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। अभी भी वक्त है, इस पाकिस्तान को घर में घुस करके जवाब दो, नहीं तो पूरा युवा आंदोलन सड़क पर उतरेगा, पूरा शहीदों के साथ होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी।